हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, तो चलो आप लोग भी हमारे साथ, ठीक है। तो ये रहा मेरा आउटफिट, मैं सोची कि इसको पहनूंगी बट एक ट्विस्ट आ गया। मैं जब इसको पहनी ना तो अजीब सा इनर की वजह से मे भी हुआ होगा, मैं ट्रांजिशन करने का सोच रही थी बट हो नहीं रहा था। तो गाइस, वो वाला मेरा आउटफिट ना मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो रहा था, पता नहीं क्यों, मे बी इनर की वजह से हो रहा होगा, तो मैं उसको दूसरे दिन कभी पहनूंगी। ये रही मेरी दीदी, ये मेरी दीदी का है आउटफिट, देखो फिर से ये है मेरी दीदी। बोल दो तुम अपना बाल खोल लो यार, खोल ले मेरे पास। अरे उसको मर्जी, फिर भी खोल लेती तो ज्यादा ठीक है, उसकी मर्जी, तुम आओ इधर। एंट्री नहीं देना है, दिखाना है वीडियो में तेरा आउटफिट। बाल ठीक करो, चोर जैसा लग रहा है और फिर हम लोग पहुंचे मेले में, और मेले में भाई साहब इतना भीड़ था ना कि देख लो आप लोग, मैं वीडियोस क्या ही बनाऊंगी। ऐसे ना सब लोग लाइन बना के चल रहे थे, आप लोग देखना, अभी मतलब खड़े होने का भी जगह नहीं था यार। मुझे तो बस झूला झूलना था, मैं तो बस झूला झूलने के लिए गई थी ना, क्योंकि मुझे भीड़ भड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर में रहना क्यों ज़्यादा पसंद करती हूँ पता है, क्योंकि या तो मैं बाहर जाऊँगी ना तो मुझे अकेले बैठना है जहाँ पे कोई ना हो, बहुत शांत सा रहे, मुझे मेला वाला पसंद नहीं है। मैं जाती हूँ तो बस झूला झूलने, भगवान का दर्शन करने के लिए, और मैं इधर आ गई थी देखने के लिए ये सब। मुझे ये सब बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पहले बचपन में लेने के लिए रो देती थी, बैठ जाती थी रोड पर ही बैठ जाती थी कि मुझे लेना है, बट अब मुझे लेने का मन नहीं करता, बस अट्रैक्टिव लगता है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा, देखते रहने का मन करता है, लगता है मैं देखते रहूं। फिर मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी ना, छोटी सी भूख लग गई थी, तो मैं इडली खाने के लिए चली गई, और यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आ गया था। पहले ना हम लोग इडली तो खा लिए, और हम लोग ना कैश लेके गए ही नहीं थे, ऑनलाइन पेमेंट था सबके पास, मेरे पास भी, भैया के पास भी, सबके पास। और मेले में क्या होता है ना कि नेट वगैरह बंद कर दिया जाता है, नेटवर्क नहीं था। इडली खाने के बाद हम लोग आधे घंटे तक ढूंढते रहे कि अब पैसा दूं कैसे, क्योंकि नेट चल नहीं रहा था और पैसा पे हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसके बाद हम लोग पंडाल से बाहर गए स्कैनर लेकर के, उसके बाद हम लोग पे किए, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, वरना अंकल जाने ही नहीं दे रहे थे। और फिर यहाँ पे यही मेला वगैरह, नॉस्टैल्जिया यार, बचपन का याद आ जाता है ये सब देख करके, कि छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जब मम्मा हाथ पकड़ के लेके आया करती थी, और अगर थोड़ा सा भी खो जाते थे ना तो मैं लिटरली रोने लगती थी कि अब क्या होगा। और यहाँ पे मैं बंदूक चलाने आई थी, जो कि मेरा एम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब है। 15 मैं चलाई जिसमें कि मेरा 3 या 4 निशाना लगा, एंड वो बोल रहे थे कि मैं एक्चुअली बोली थी कि क्या मेरा पूरा निशाना लग जाएगा तो आप मेरे को पैसा वापस कर दोगे पूरा, क्योंकि यार कुछ तो गिफ्ट रखना चाहिए ना, जैसे कि इनाम वगैरह। तो भैया बोलते कि ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन अगर आपका एक भी निशाना चूका तो आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। यार मैं उनको क्या घुमाऊँगी, वही मेरे को घुमा दिए। फिर मैं वहाँ से निकली, और फिर ये हाँ यार, खाना, मेला घूमना, भगवान का दर्शन करना और झूला झूलना, इसी के लिए मैं आती हूँ। और यार यहाँ पे जो हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत, मैं तो लिटरली रोने लगी थी यहाँ पे, लोग देख करके वहाँ से भाग गए, बोले नहीं हम लोग खाना ही नहीं है। देखो जितने पीछे ऑडियंस देख रहे हैं ना, वो सब खाने के लिए आए थे, ठीक है, मेरे को देख करके वो चले गए, मैं वीडियो कट हो गया ना, मैं रोने लगी थी सच में, क्योंकि मेरे पूरे मुँह जलने लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और फिर कैसे भी करके 1 घंटे के बाद हम लोग झूला पे चढ़ गए, उसका वीडियोस नहीं रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था ना, फ़ोन निकालती तो कुछ कुछ छीन कोई लेता, लेके भाग जाता। और ये रहा झूला, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बेस्ट लगता है, झूला का बेस्ट पार्ट है ये। बट मुझे झूले का एक चीज़ पसंद नहीं है कि ना ये लोग 2-3 राउंड करते हैं और फिर तुरंत उतार देते हैं, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा झूलने का मन करता है बहुत स्पीड में, बट ना स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, यही चीज़ पसंद नहीं मेरे को।
पर यहाँ पे हम लोग खो चुके हैं, ठीक है। यह मेरी दीदी और मैं यहाँ पे भैया का वेट कर रहे हैं, और भैया पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहे। हाँ जया, जया तुम जया। ओके तो मैं ना यहाँ पे एक छपरी गिरी करने आ गई थी, फायर पानी पूरी खाने आ गई थी। 15 रुपये का एक पीस दे रहा था, पता नहीं और बताती हूँ ये फायर पानी पूरी कैसे होता है। भाई साहब कपूर रख दिया जाता है, मुझे ऐसा लगा था ना कि कुछ एडिबल चीज़ होगा और उस पर आग लगा दिया जाता है। भाई साहब इस पर कपूर रख करके जला दिया, एंड मेरे को जब मैं लिटरली खाई ना तो मेरा पूरा माउथ पूरा मतलब कपूर कपूर हो गया, इतना बेकार लगा ना मेरे को। और यार 15 रुपीज़ का एक पीस गोलगप्पा, मैं ना बाद में इतना रिग्रेट कर रही थी, मैं सोची कि हाँ शायद ज़्यादा ही पैसा हो गया है मेरे पास। सच में ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना, इसलिए मेरे को लगा कि कुछ न्यू ट्राई करते हैं, बट सच में न्यू ट्राई नहीं करना चाहिए अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो तो। उन्होंने बताया भी नहीं कि कपूर होगा ये, देखो मेरे को तो पहले डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। पीछे वाले का बस आप रिएक्शन देखना, ठीक है। एक आंटी का आंटी तो मेरे को ऐसे घूरती जैसे लगता है ना उनको मेरे से कुछ दुश्मनी है, देखना बहुत वियर्ड सा रिएक्शन देती हूँ मेरे को। कोई भी देगा यार, ऐसे कौन करता है बताओ। ए ए ए ए ए गया अंदर, और फिर 1 सेकंड के लिए मुझे लगा ना मेरा मुँह चल गया। फिर भैया बोलते हैं ना कि जलाते रहो, मतलब चलाते रहो, मुँह चलाते रहो। फिर ठीक है यार, थोड़ा सा बर्स्ट हुआ था माउथ में, अच्छा लगा, बट कपूर की वजह से ना पूरा सब कुछ ख़राब हो गया। और फिर भैया आकर के यहाँ पे बटाटा पूरी खाने लगे, मुझे मेरा तो भूखे मिट गया था। मैं इडली खाई, फिर गोलगप्पा वो खा करके पूरा मुंह कपूर कपूर गया, तो मुझे कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा था। ओके फिर हम लोग लास्टली यहाँ पे आए, सोचे कुछ हैवी सा खाया जाए। उधर हैवी सा क्या यार, मोमोज खाने के लिए आई थी, बट यहाँ पे ना एग रोल वगैरह बन रहा था, और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, सच में प्योर बिल्कुल। हाँ भाई इस बात का तो घमंड है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे नॉन वेजिटेरियन लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके तो इसको कॉन्ट्रोवर्सी में मत ले लेना, बस अपना एक थिंकिंग होता है। फिर मैं दूसरे जगह करके मोमोज खाई, उधर मोमोज नहीं मिला, और लिटरली मुझे मोमोज बहुत अच्छा लगता है।